यूपी में चौथे चरण में 9 जिलों की 59 सीटों पर खत्म हुआ मतदान, लगभग 59.45% वोटिंग की खबर। 624 उम्मीदवारों की किस्मत, ईवीएम में लॉक। लखनऊ में रेलवे से रिटायर 91 साल के केदारनाथ मल्होत्रा ने डाला वोट, कहा मतदान केंद्र से मिला पूरा सहयोग। केदारनाथ मल्होत्रा ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए सभी को करना चाहिए मतदान, ये संदेश दिया। लोकतंत्र के महापर्व में बुजुर्ग मतदाताओं ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा, लखनऊ में 78 साल के बुजुर्ग व्हील चेयर पर बैठकर पहुंचे पोलिंग बूथ, मतदान कर लोगों को किया प्रेरित। हरदोई में बुजुर्ग वोटर्स ने मतदान के लिए दिखाया उत्साह, आर्य कन्या इंटर कॉलेज में बने पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर से 80 साल के बुजुर्ग ने मतदान किया, बेटा पिता को लेकर पहुंचा। रायबरेली शहर के एसजेएस पोलिंग सेंटर पर 80 साल के बुजुर्ग महिला ने अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल, छड़ी के सहारे बुजुर्ग महिला का पोलिंग सेंटर तक पहुंचना, उनके बेटा लेकर पहुंचा। पीलीभीत में बुजुर्गों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह, मतदान के लिए पहुंची बुजुर्ग महिला ने वोट डाला, कहा एक वोट भी कीमती होता है। उन्नाव के जीआईसी इंटर कॉलेज मतदान केंद्र पर 76 साल की बुजुर्ग महिला रमा देवी ने वोट डालने का किया आह्वान, चलने फिरने में असहज होने के बाद भी बुजुर्ग महिला वोट डालने पहुंची। उन्नाव की 6 विधानसभा सीटों पर मतदान के लिए किन्नर भी पीछे नहीं रहे, भगवंत नगर बूथ पर एक किन्नर ने मतदान किया। सीतापुर में लोकतंत्र के महापर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर आई सामने, सुरक्षा के साथ साथ पुलिस के जवानों ने बुजुर्गों और दिव्यांग लोगों को गोद में उठाकर करवाया मतदान, महोली विधानसभा के एलिया ब्लॉक से सामने आई तस्वीरें। लखनऊ के महावीरपुर के रहने वाले दिव्यांग कोमल और मुन्ना तिवारी ने भी वोट डाला, ब्लाइंड वोटर्स ने कहा सभी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। हरदोई में युवाओं ने भी वोटिंग को लेकर अच्छा रिस्पांस दिखाया, हरदोई के फर्स्ट टाइम वोटर्स में मतदान को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। हरदोई की 8 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुआ मतदान, गुब्बारों से सजाया गया था यहां का आदर्श मतदान केंद्र, पहली बार वोट करने पहुंची निगार खान ने कहा उनका कॉलेज अच्छा नहीं, शिक्षा के मुद्दे पर दिया वोट। पीलीभीत में भी वोटिंग को लेकर उत्सव जैसा देखने को मिला माहौल, कई मतदान केंद्रों पर बैंड बाजे की धुन बजाकर मतदाताओं को बढ़ाया गया उत्साह। सीतापुर में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा गया, आदर्श मतदान केंद्रों पर दिव्यांग और वृद्ध जनों के लिए खास व्यवस्था थी, डालमिया फाउंडेशन ने किया सहयोग। सीतापुर की 9 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, सुबह 7 बजे से लोग लाइन में लगकर मतदान करने पहुंचे, वहीं वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए, ड्रोन के जरिए मतदान केंद्रों पर पुलिस ने रखी सख्त निगरानी, चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों का पहरा रहा। लखीमपुर खीरी के सदर विधानसभा के कादीपुर सानी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अज्ञात युवक ने ईवीएम में फेविक्विक डाल दिया और बटन जाम हो गए, काफी देर तक मतदान बाधित रहा, भारी संख्या में मतदान के लिए लाइन में लोग लगे रहे, बाद में मशीन को बदलकर फिर से मतदान शुरू कराया गया। लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती ने डाला वोट, वोट डालने के बाद मीडिया से मुखातिब हुई मायावती ने सपा पर साधा निशाना, मायावती ने कहा यूपी में इस बार बसपा की सरकार बनने जा रही है। यूपी में चौथे चरण के मतदान के दौरान बसपा नेता महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने लखनऊ में वोट डाला, उनका परिवार भी साथ। वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी ने किया मतदान, भारी फोर्स के बीच मतदान के लिए पहुंचे अजय टेनी, हाल ही में तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी अजय मिश्र टेनी के बेटे को मिली है जमानत। यूपी में चौथे चरण के लिए रायबरेली में वोटिंग हुई, भाजपा प्रत्याशी अदिति सिंह ने कहा उनका कोई मुकाबला किसी से नहीं, जनता के लिए बहुत काम किया है इसलिए जनता उनके साथ है। रायबरेली में भी शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, रायबरेली सदर से गठबंधन प्रत्याशी आरपी यादव ने किया जीत का दावा, कहा इस सीट से है उनकी जीत पक्की।
लखनऊ में भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने मंदिर में जाकर सुबह सुबह पूजा अर्चना की। पुलिस अधिकारी की नौकरी छोड़कर सियासत में कदम रखने वाले राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान से पहले कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी पूजा अर्चना की। ब्रजेश पाठक ने पहले घर में पूजा पाठ किया, फिर मंदिर में भगवान के दर्शन किए। ब्रजेश पाठक लखनऊ कैंट सीट से भाजपा की तरफ से ठोक रहे तार। हरदोई में भाजपा प्रत्याशी रजनी तिवारी ने घर पर की पूजा, उसके बाद मतदान करने पहुंची। हरदोई के शाहबाद सीट से भाजपा विधायक प्रत्याशी हैं रजनी तिवारी। लखनऊ पूर्वी सीट से गठबंधन प्रत्याशी अनुराग भदौरिया ने सुबह सुबह पूजा पाठ किया, भगवान से जीत का आशीर्वाद लिया। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने किया मतदान। वोट डालने के बाद लोगों से वोट अपील की, कहा फिर से भाजपा सरकार यूपी में। हरदोई की संडीला सीट से सपा गठबंधन प्रत्याशी और सुभाषपा प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आए। एबीपी गंगा से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा यह गठबंधन कमाल करेगा। हरदोई में भाजपा प्रत्याशी रजनी तिवारी ने घर पर पूजा अर्चना की। शाहबाद सीट से भाजपा विधायक भी हैं, प्रत्याशी भी हैं। लखनऊ में एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने अपने परिवार सहित वोट डाला। वोट डालने के बाद अवनीश अवस्थी और उनके परिवार ने एबीपी गंगा से खास बातचीत की। लखनऊ में सुबह से ही वोटर्स में जबरदस्त उत्साह देखा गया। लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने अपने परिवार के साथ वोट किया। सिंगार नगर की राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में किया मतदान। केंद्रीय मंत्री और यूपी के सह चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा चौथे चरण की वोटिंग के बाद यही कहा जा सकता है कि 10 मार्च को अखिलेश नहीं आ रहे हैं। अखिलेश करहल का भी चुनाव हार रहे हैं और वो हिट विकेट हो रहे हैं। उन्नाव सदर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी आशा सिंह ने माखी गांव के प्राथमिक विद्यालय में मतदान केंद्र पर वोट डाला। उन्होंने कहा प्रियंका गांधी ने उन्हें कांग्रेस का प्रत्याशी बनाकर बड़ा काम किया है। यूपी में चौथे फेज का मतदान संपन्न। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा पर बोला हमला। प्रियंका ने आवारा पशुओं और बेरोजगारी के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा। लखनऊ में 9 सीटों पर वोटिंग खत्म। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में वोट डाला। मीडिया से बात करते हुए कहा कि यूपी में फिर बनेगी भाजपा सरकार। लखनऊ में विधायक पंकज सिंह ने अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद पंकज सिंह ने कहा यूपी में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। सपा बसपा कांग्रेस दहाई के आंकड़ों में सिमट जाएंगे। लखनऊ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से एबीपी गंगा की खास बातचीत हुई। इस दौरान उन्होंने जनता से हाथ जोड़कर दिल खोलकर वोट करने की अपील की। जीत का दावा करते हुए कहा कि 300 से ज्यादा सीटें भाजपा जीतेगी, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएंगे। फतेहपुर में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने गांव में वोटिंग के लिए पहुंचे। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पहले 3 चरणों में गठबंधन को बड़ी बढ़त है, चौथे चरण में भी सपा रहेगी आगे। चौथे चरण के लिए उन्नाव में वोटिंग संपन्न है। इसी बीच उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने जीत का दावा करते हुए कहा यूपी में फिर बनेगी भाजपा सरकार। उन्नाव में 1.5 घंटे तक तकनीकी खामियों की वजह से वोटिंग देरी से शुरू हुई। खुद भाजपा विधायक पंकज गुप्ता को वोट डालने के लिए करना पड़ा इंतजार। जीजीआईसी मतदान केंद्र के बूथ संख्या 158 में ईवीएम खराब होने से परेशान हुई महिला वोटर। उन्नाव के मिर्जापुर अजीगांव में ग्रामीणों ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर दबाव बनाकर वोट डलवाने का आरोप भी लगाया। सई नदी पर पुल निर्माण नहीं होने से नाराज थे मतदाता। उन्नाव के बांगरमऊ में वोट का बहिष्कार। बांगरमऊ क्षेत्र के कई इलाकों में वोटिंग का बहिष्कार हुआ। गंगा नदी के कटान से परेशान ग्रामीणों ने नहीं किया वोटिंग में हिस्सा। विकास न होने के चलते ग्रामीणों ने दिखी नाराजगी, वोट न डालकर जताया विरोध। सीतापुर के महोली बूथ की बूथ संख्या 299 पर वोट नहीं पड़े। मतदाता कई घंटे बाद भी एक वोट डालने नहीं आए। ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार का ऐलान हुआ। सड़क रोजगार चिकित्सा व्यवस्था न होने से नाराज। लखनऊ में वोटिंग के बीच लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने लोगों से वोटिंग की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर किसी को मताधिकार का करना चाहिए इस्तेमाल।
सोनभद्र में विधानसभा चुनाव के सातवें चरण में 7 मार्च को मतदान होना है। भाजपा प्रत्याशी रॉबर्ट्सगंज विधानसभा से विधायक भूपेश चौबे का अलग अंदाज देखने मिला। मंच पर ही हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए उठक बैठक लगाई। हाल ही में पीएम मोदी ने जहां चुनावी रैली के दौरान मंच से एक कार्यकर्ता के पैर छुए थे, वहीं गोरखपुर के भाजपा मीडिया सेंटर से भी ऐसी तस्वीर देखने को मिली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिव्यांग कार्यकर्ता को पैर छूते हुए देखा तो खुद नीचे झुक गए और हाथ बढ़ाकर पैर छूकर उनका अभिवादन स्वीकार किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात के मामले में भाजपा सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी का बयान। मयंक ने बुधवार को कहा कि जहां भी मेरी उपयोगिता होगी या कोई मुझे बुलाएगा तो मैं चला जाऊंगा। श्रावस्ती में अखिलेश यादव ने रैली को संबोधित करते हुए कहा, चौथे चरण का वोट सपा पर पड़ रहा है, इसीलिए हवा तेज चल रही है। ये जनसैलाब देखकर भाजपा वाले दिखाई नहीं देंगे। इनकी गाड़ियों से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? इनके मकानों से भी झंडे उतर गए अब बीजेपी के। और जिस समय श्रावस्ती के हमारे गरीब किसान नौजवान वोट डालेंगे, भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी या कोई खाता नहीं खुलने वाला। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के नेता झूठ बोलने में लगे हैं, सबकी कमाई आधी और महंगाई दोगुनी है। भाजपा ने किसानों को लूटा है, पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए पहुंचा देंगे। बाराबंकी में पीएम मोदी ने विपक्ष पर बरसते हुए कहा, यूपी में कई दशक तक परिवारवादियों की सरकारें रही, कहा ये नहीं चाहते गरीबों का घर बने, शौचालय बने, घोर परिवारवादी चाहते हैं गरीब इनके चक्कर लगाएं। प्रशासन नहीं शोषण करते थे, हमने सेवा का रास्ता चुना। वो अपने महल बनाते थे, हमने गरीबों के घर बनाए। पीएम मोदी ने कहा ये लोग बौखलाए हुए हैं, यूपी के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश में है। कहा कि भाजपा की जीत का झंडा खुद गरीब ने उठा लिया है, यूपी कह रहा है आएंगे तो योगी ही। पिछली सरकार में जमीन परिवारवादियों का शासन था, कानून व्यवस्था पंगु बना दी गई थी, गुंडे माफिया खुलेआम जमीनों पर कब्जा कर लेते थे। पीएम मोदी ने कहा कि पहले की सरकारें बेटियों की परेशानी नहीं देखती थी, पहले की सरकारें मंचलों को खुली छूट देती थी, अब मंचलों पर कड़ी कार्रवाई होती है। कहा इन्होंने मुस्लिम बेटियों की दिक्कतों को नजरअंदाज किया, पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पांचवें चरण के चुनाव के लिए अमेठी में जमकर पसीना बहाया। इस दौरान प्रियंका ने अमेठी कस्बे से लेकर तिलोई विधानसभा के जायस कस्बे तक रोड शो किया। इससे पहले प्रियंका गांधी ने जगदीशपुर में एक जनसभा की जहां उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि ये चुनाव आने पर आतंकवाद, पाकिस्तान, जाति और धर्म की बात करते हैं, लेकिन महंगाई, रोजगार और छुट्टा पशुओं के मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलते। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर करारा हमला, पूछा क्या साइकिल से बम लेकर नहीं गए थे आतंकी? सपा को वोट देने का मतलब आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद करना। गोंडा की चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव ने कहा इस बार साइकिल के साथ आ रहा है सपा का साइक्लोन, भाजपा ने जनता से किए हैं झूठे वादे। चौथे चरण के चुनाव के बाद खत्म होने के बाद पूर्वांचल की सीटों पर भाजपा की नजर। 27 फरवरी को वाराणसी जिले के पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हर एक बूथ से 6 कार्यकर्ता लेंगे हिस्सा। श्रावस्ती में पुलिस कर रही बीजेपी का प्रचार, सैकड़ों लोगों के बीच दीवान जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, 22 में योगी की सरकार बनाएंगे। दीवान जी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। जंगीपुर विधानसभा के जयंतीदासपुर गांव में भाजपा के कार्यकर्ता कार्यक्रम में सपा के युवा नेताओं की गुंडागर्दी, महिलाओं से अभद्रता के आरोप। महिला पीड़ित महिला के साथ थाने पहुंचे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने धरना देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आप सांसद संजय सिंह ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर भाजपा विधायक राघवेंद्र के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। अभद्र टिप्पणी के मामले में प्रतिबंध लगाने की मांग, पिछड़ों, अनुसूचित जाति, क्षेत्रीय ब्राह्मणों, स्वर्णों पर अभद्र टिप्पणी का मामला।
गोंडा में मंगलवार देर शाम तांबेपुर गांव के पास गौरा से भाजपा विधायक प्रभात वर्मा के समर्थन की गाड़ियों पर हुई फायरिंग। प्रचार वाहन में की गई ताबड़तोड़ फायरिंग और मारपीट हुई। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन पर हमले का आरोप। मनी लॉन्ड्रिंग केस में नवाब मलिक को 8 दिन की ईडी रिमांड पर भेजा गया। 3 मार्च को ईडी रिमांड पर रहेंगे। 3 मार्च तक एनसीपी नेता नवाब मलिक, एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक की 14 दिन की मांगी गई थी रिमांड। सोनभद्र में पुलिस पर बड़ी लापरवाही, अमानवीय चेहरा भी उसका सामने आया। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बकवार गांव में दो पक्षों की जमीन को लेकर हुए विवाद में मारपीट के दौरान मामला शांत कराने पहुंची पुलिस दो स्कूली छात्राओं को हथकड़ी लगाकर कोर्ट ले गई। कासगंज के थाना कोतवाली इलाके में किसान की गला रेतकर हत्या से सनसनी। जानकारी मिलने पर परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को दी गई वारदात की जानकारी, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। गाजियाबाद में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप। राजनगर इलाके के पार्क के पास मिला युवक का शव। पुलिस के मुताबिक युवक ने सुसाइड किया, घरेलू वजह से आत्महत्या की आशंका जताई। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली को मुंबई में एक स्टूडियो के बाहर स्पॉट किया गया। दोनों अपनी अपनी वैनिटी वैन के बाहर खास लुक में नजर आए। सेम लोकेशन पर विराट और अनुष्का को साथ देखकर फैंस काफी खुश दिखे। गहराइयां की सक्सेस से खुश दीपिका के मैगजीन शूट की तस्वीरें आई सामने। मोनोकोनी में दीपिका की ग्लैमरस पिक्चर्स इंटरनेट पर पॉपुलर। एक्ट्रेस सनी लियोन का नया सॉन्ग शर्म लिहाज रिलीज हो गया है। साक्षी होलकर की आवाज में यह पैपी सॉन्ग आपको झूमने पर मजबूर कर देगा। गाना रिलीज होते ही हिट हो गया। कंगना रनौत के लॉकअप में हॉटनेस से आग लगाने को तैयार हैं पूनम पांडे। कंगना रनौत की कंट्रोवर्शियल जेल में पूनम कैदी बनकर रहेंगी और लॉकअप शो की तीसरी कंफर्म कंटेस्टेंट हैं पूनम।